हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, शाम के 5 बज चुके हैं और अभी मैं थोड़ा आराम कर रही थी और अभी फिर कपड़ा धोकर सुखाई थी, छत में उलाने लगी क्योंकि मौसम फिर से बिगड़ गया है। यहाँ 2-3 दिन हो गया बारिश हो रहा है और बहुत ज़्यादा, मतलब कई कई जगह में तो ओले भी पड़े हैं, मतलब करा, हमारे यहाँ तो कड़ा ही बोलते हैं और पता नहीं है कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरा किट्टू है जो सोया हुआ है और उसकी मम्मी शायद मार्केट गई है क्योंकि होली आ रहा है गाइस, और होली में वो लोग जाएंगे गांव, तो गांव जाएंगे तो उसके लिए तो कुछ कुछ सामान लेकर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए वो गई है। आई थिंक, मैं सोच रही हूँ कि वो गोल मार्केट गई होगी क्योंकि उसको गोल मार्केट जाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो वहाँ गई होगी। और गाइस, मैं अभी आराम कर रही थी तो फिर मैं उठ गई। अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं चाय पीऊँ, बट हस्बैंड जी ने मुझे पूरी तरीके से मना कर दिया है चाय पीने के लिए, और उन्होंने बोला है कि चाय बिल्कुल मत पीना, पर मेरा बहुत मन कर रहा है, कुछ खाने का भी मन कर रहा है। मैं कलिंगर लेकर आई थी, कलिंदर, लेकिन वो कच्चा है अंदर से, पका ही नहीं है, तो मैं क्या खाऊँ, कुछ है भी नहीं घर पे फल फ्रूट वगैरह। सो गाइस, आप लोग अगर मेरे ब्लॉग में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ गाइस आप लोग सपोर्ट कीजिए क्योंकि गाइस आप लोगों को पता है बड़ी मेहनत करके और बड़ी मेहनत से हम वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं और अपलोड करते हैं ताकि आप लोग सपोर्ट करें, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा। अभी मैं बात करने में थोड़ा सा वो हो रही हूँ क्योंकि अभी मुझे जो है ना थोड़ा सा वो लग रहा है, मतलब सांस भर रहा है मेरा। अब मेरा किट्टू उठ गया है, अब वो रोएगा गला फाड़ फाड़ के, अब कोई है नहीं, उसका डाटा नहीं है, उसकी मम्मी भी नहीं है, अब मैं नहीं संभाल सकती हूँ क्योंकि वो जब चिल्लाता है तो उसका कोई नहीं संभाल सकता है। सो गाइस, अभी जाते हैं और देखते हैं, खाना पीना भी का तैयारी करना पड़ेगा, तो अभी से तो नहीं करूँगी, चाय पीने का मन कर रहा है पर नहीं पीऊँगी अभी, मैं थोड़ी देर बैठूँगी, बाहर का भी नज़ारा आप लोगों को दिखा देती हूँ, और पहले तो आपको किट्टू को दिखा देती हूँ। ये देखो इसको, क्या हुआ बेटा? मम्मी नहीं आते? नहीं आ रहे मम्मी? तो सो जा थोड़ी देर और सो जाओ, ठीक है? थोड़ी देर और सोओगी ना तो मम्मी आ जाएगी, ठीक है? ओके। सो गाइस, अभी आ गई हूँ मैं अपने घर के बाहर, बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है बाहर का नज़ारा, आप लोगों को मौसम दिखा देती हूँ, बारिश होने वाला है ज़बरदस्त तरीके से। ये देखो गाइस, बारिश होने वाला है गाइस, देखो कितना हवा चल रहा है, कपड़े भी मैं निकाल के ले आई हूँ, बहुत ही ज़्यादा हवा चल रहा है। तो ये मेरे घर के बाहर का नज़ारा है, देख सकते हो, ये देखो पूरा, अभी 2 दिन बारिश हुआ जिसकी वजह से यहाँ पे पूरा पानी भी भरा हुआ है, और ये है मौसम, काला काला सा पूरा बादल। अभी कभी भी बारिश हो सकता है, तो हम चलते हैं अंदर, यहाँ रहेंगे तो भाई तबीयत ख़राब होने का डर बहुत है, तो चलिए अंदर गाइस। गाइस, मेरा किट्टू रोने लगा, क्या हो गया? तो मुझे क्या पता मम्मी कहाँ गई, तो फोन लगा दी। मेरे फोन में रिचार्ज नहीं है, कोई नहीं है घर पे, बारिश हो रहा है बाहर, बारिश हो रहा है। देखो गाइस, ये चिपकू बच्चा है, चिपकू रहता है मेरे से, चिपकू नहीं रोते हैं। आ रही है मम्मी, बारिश हो जाएगा भीग जाएगी मम्मी फिर, ठीक है? रोना नहीं, डैडा भी आ रहा होगा, देख तो इधर। देखो ये रोने लगा गाइस, मेरा शुक्रू बच्चा। इसका तबीयत जो है ख़राब हो रहा है, इसको फिर से ना फीवर होने लगा है, देखो, क्योंकि ना इसको सर्दी भी हो गया और फीवर भी शुरू हो गया, ये देख इसको। अब मेरा बात सुनता नहीं है, मेरी बात को इग्नोर करता है, बोलती हूँ उसको, फीवर आने लगा इसको, अब फिर इसको स्कूल इसका बंद होगा, अभी गांव जाएगा, गांव में बदमाशी करेगा, उधम मचाएगा, है ना? बच्चे जब सो के उठते हैं ना गाइस, तो चाहे
कोई उसको कितना भी प्यार करे, उसको मम्मी जरूर चाहिए होता है। ये भी वैसी है। इसके डैडा रहते तो नहीं रोता, क्योंकि इसके डैडा और इसके मम्मी में कोई फर्क नहीं है। इसकी मम्मी भी नहीं रहेगी ना, कहीं गई रहेगी तो इसके डैडा संभाल लेंगे, इसके डैडा नहीं रहेगा तो इसकी मम्मी संभाल लेगी। एक तरीके से देखा जाए ना तो इसके डैडा इसके मम्मी ही हैं, उसके लिए रोता है ये। बताओ, जब बच्चे मम्मी के लिए रोते हैं या अपने डैडा के लिए रोता है, ऐसा है ये। तो देखते हैं घर में कुछ है तो इसको खाने को देते हैं, क्योंकि अभी सोकर उठा है तो जाहिर सी बात है बच्चा है, भूख लगेगा। देखते हैं, ढूंढते हैं, फिर उसके बाद इसको देते हैं। ठीक है, राइस चेंज वगैरह कर लिया है मैंने और अभी मैं बना रही हूँ खाना। किट्टू के पापा आ गए थे तो वो चला गया था अपने पापा के पास, तो यहाँ पे गई। देखो मैं बना रही हूँ खाना, यहाँ पे मेरी सब्जी बन रही है, पत्ता गोभी। थैंक यू। यहाँ पे बन रही है मेरी दाल और यहाँ पे बन रहा है मेरा चावल। सो गाइस, चलिए हम लोग फटाफट से खाना बनाते हैं, उसके बाद में हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि आज बज चुके हैं और किट्टू भी मेरे लिए कुछ लेकर आया है। थैंक यू। नानू फेंको, चुम कर। किट्टू अपने छोटे बेबी को बहुत प्यार करता है। रात को जो है, मैं अभी सुबह का टाइम है, गुड मॉर्निंग, और रात को जो है मैं शूट करना ही भूल गई, खाई पिए सो गई बस। है तो अभी मैं बना रही हूँ चीला सुबह के नाश्ते के लिए, और बनाया मैंने टमाटर का चटनी। सो गाइस, अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।